हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक हैचबैक के बारे में बात, जिसका नाम है टोयोटा इटियोस लीवा। स्पेसिफिकली मैं टोयोटा इटियोस लीवा के बारे में ही बात करूंगा। तो दोस्तों, हालांकि 2020 में टोयोटा ने इटियोस लीवा को डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि लो सेल्स फिगर की वजह से और बेसिक इमिशन नॉर्म्स की वजह से इस गाड़ी को अपडेट करना था। कंपनी ने सोचा कि ये गाड़ी अब आउटडेटेड हो गई है और इसको कोई लेता भी नहीं है, मतलब इसके सेल्स फिगर भी लो है, तो इसी वजह से इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो दोस्तों, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इंटरनेट पे कुछ इसके रेंडर इमेजेस दिखे हैं, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये मैंने इसलिए इसका ये वीडियो बनाया है क्योंकि दोस्तों ये मतलब झूठी बात है कि टोयोटा इटियोस नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, पर एक आइडिया, इसलिए आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये गाड़ी नहीं आने वाली है। टोयोटा इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि वो अभी इस गाड़ी में वर्क नहीं करने वाला है। हालांकि अगले साल या उससे भी अगले साल तक ये गाड़ी सोच सकते हो आप थोड़ा, पर अभी इस वक्त ये गाड़ी नहीं आएगी। और आप इस फोटोज़ पे या इस रेंडरिंग पे विश्वास ना करें, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि दोस्तों, लीक्स बहुत ही क्लियर कट दिख रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी थोड़ी बोलने को जैसे दिख रही है। किसी ने इसको बनाया है और इंटरनेट पे पोस्ट किया है, और ये गाड़ी बहुत ही थोड़ी वायरल हो गई है, तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। वैसे तो गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना इटियोस आएगी या नहीं। तो कैसी लगी वीडियो, ये शॉर्ट बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने रखी है, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना चैनल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।